नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूं पवन। मैं इस वक्त हूं रांची जिले की ब्राम्बे चौक में। यहां पर एक प्रज्ञा केंद्र है, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां पर अभी भी किसान जो है लगभग शाम के 7 बज रहे हैं, यहां पर अभी भी किसान जो है वो बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों, उनसे पूछेंगे। लेकिन एक आपको हल्की जानकारी दे दें कि यहाँ पर इस बार जो सूखा हुआ है झारखंड, इसके बाद से किसानों को राहत पहुँचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को 3500 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, आवेदन दिए जा रहे हैं प्रज्ञा केंद्रों में। और प्रज्ञा केंद्रों की क्या स्थिति है यहाँ पर, और क्यों किसानों को आखिर यहाँ पर देर रात तक लाइन में लगना पड़ रहा है, ये आपको बताएंगे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ किसान भी हैं। आइए, मेरा क्या नाम है? मेरा नाम निजाम। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बीजो टापुर, वहाँ पतरा पर। यहाँ से वो कितनी दूर है? करीब करीब 9 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर आप, आज कौन सा दिन है? आज है मंगल। तो आपका हो गया? हाँ, हो रहा है अभी तो। लाइट हुआ तो पर्यावरण केंद्र वाले हम फोन करके बुलाए, तो हम आए हैं। हो रहा है, मेरा काम हो रहा है। मतलब दो दिन आने के बाद लाइन साइड नहीं खुलने के कारण से सब लोग को परेशानी भी बढ़ रहा था। बहुत लोग को तो देखते थे तो ऐसे चले जाते थे, कोई औरत आती थी वो लोग देखते थे, बहुत परेशान था बच्चा लेके, उसके चलते भी हम लोग को परेशानी। तो हम लोग जानते थे कभी भी देख ले, फोन करके बुला लीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे। तो मैं आ गया। और काम हो गया? काम हो ही गया है। मतलब पैसे मिल जाएंगे? नहीं, मिलना तो है ही है, जब सरकार का है नियम, तो जो नियम है उस हिसाब से कुछ आप लोग पालन करेंगे तभी नहीं मिलेगा। क्या दिक्कतें आ रही है किसानों को देर शाम तक पहुँचना पड़ रहा है? सर, मैं प्रज्ञा केंद्र संचालक नवीन आलम हूँ। यहाँ हम लोग 3 ऑपरेटर पर डे रेगुलर इसी काम के लिए 2 दिन सुबह से शाम तक लगे हुए रहते हैं। असल में सुबह से शाम तक बहुत सारा किसान यहाँ आते हैं, लेकिन साइड इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, दिन में काम होता ही नहीं। इसी वजह से हम लोग टोटल कोई फोन को रिसीव कर लेते हैं, रिसीव करने के बाद उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, और बारी बारी जैसे शाम को 6 बजे के बाद खुलता है, उसके बाद ऑपरेटर लोग बोलते हैं कि चलिए अभी सरकार का योजना है, किसान को कुछ तो फ़ायदा हो जाए। इसी वजह से हम लोग सबको फोन करके बुला के ये समस्या सर्वर से आती है। जी, सर्वर से। आप लोगों की शिकायत रखी है इसकी? जी, हम लोग तो शिकायत रखे हैं। तो वहाँ से क्या जवाब मिलता है? वहाँ से बोल रहा है कि साइट को ठीक किया जा रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, और अभी समय भी ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से हम लोग ये काम को वहाँ। समय कम है, किसानों की संख्या अधिक है, उन्हें लाभ मिलना है, नुकसान नहीं हुआ है, और इसलिए वो देर रात तक यहाँ पर आकर रहे हैं, ताकि उनकी बारी आए, उनका भी आवेदन जमा कर सके और उन्हें इसके बदले में पैसे मिल सके। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए किसान तक।